अखबार के शब्द देखते हैं, तीन शब्द जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी अखबार में इस्तेमाल होते हैं। पहला शब्द है क्रिटिकल। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है नाजुक। कहते हैं ना क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब नाजुक हालत। क्रिटिकल सिचुएशन, नाजुक हालत। उसके बाद एक शब्द है स्माइट। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू स्ट्राइक, बुरी तरह मारना। स्माइट का मतलब हो गया बुरी तरह से मारना, बहुत बुरी हालत में मारना, बुरी तरह से मारना, टू बीट। ठीक है, ब्लैक एंड, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब भी वही होता है, ये फ्रेज है। टू स्ट्राइक क्यू, अच्छा स्मिटन का मतलब मारना। उसके बाद एक वर्ड है स्टैगर। स्टैगर का मतलब टू टॉटर, टू हेजिटेट, लड़खड़ाना। स्टैगर का मतलब लड़खड़ाता है जो व्यक्ति, लड़खड़ाना, लड़खड़ा जाता है। ठीक है, सही से खड़ा नहीं हो पाता, टू टॉटर। फेस्ड विथ स्टिफ अपोजिशन स्पेशली फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट, द गवर्नमेंट इन ऑल लाइकलीहुड मे इम्प्लीमेंट द ओबीसी कोटा अप्रूजल द प्रपोजल इन स्टैगर्ड मैनर। लड़खड़ा गया, लड़खड़ाया हुआ। तो जितना करेंगे प्रैक्टिस उतना होगा फायदा। सिर्फ आप करें प्रैक्टिस, कम से कम 5 बार 10 बार सुने, रिवीजन करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। हेलो एवरीवन, अंग्रेजी अखबार के तीन शब्द लेंगे हम। मोटिव का मतलब होता है रीज़न, मोटिव का मतलब कारण, क्या है लक्ष्य, क्या है उनका, किस कारण से कोई काम कर रहे हैं, वजह क्या है। मोटिव यूज इन टर्म ऑफ सेंटेंस ऑफ रीज़न। द मेन मोटिव फॉर द किडनैपर वाज द रैनसम, पैसे वसूली करना। रैनसम का मतलब पैसा वसूली करना। मोटिवेट, ऑपरेट अकॉर्डिंग टू ए की पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास व्यक्ति के इशारे पर कोई काम करना, उसको बोलते हैं मोटिवेट। रनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी ओनली एट द बिहेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, की ऑफ पार्टिकुलर पर्सन आप कह सकते हैं, और पार्टिकुलर पर्सन के इशारे पर कोई काम करना। किडनैपर्स, किडनैपिंग ऑफ डॉक्टर इन पटना वाज मोटिवेटेड बाय बिंदु शर्मा, यू विल मोटिवेट दिस ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें हैं। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड का मतलब मुख्य अपराधी, अच्छी तरह से नियंत्रण करने वाला। टू वेल इंजीनियर, मेन कॉन्स्पिरेटर, मुख्य अपराधी। वेल प्लान्ड क्रिमिनल एक्टिविटी होल्ड्स बैक, ठीक है। क्रिमिनल, दिस किडनैपिंग वाज मास्टर माइंडेड वेल इंजीनियर्ड बाय गुड्डू सिंह। ये रहा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए।